आज यूमियो टीवी पहुंच गया है सीरियल मुस्कान के सेट पर, जहां पर एक बार फिर से रौनक और मुस्कान की शादी का नजारा देखने को मिल रहा है। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि मुस्कान और रौनक पर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। आए दिन रौनक के घर वाले मुस्कान पर कोई ना कोई इल्जाम लगाते रहते हैं, और जब रौनक ने शादी से पहले घर वालों का साथ मांगा तो परिवार वालों ने साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया, और इसलिए मुस्कान रौनक घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। मुस्कान रौनक जैसे ही घर छोड़कर जाने लगते हैं, वैसे ही लवली आती है और मुस्कान रौनक से वादा करती है कि उन्हें आगे से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और तो और लवली मुस्कान से माफ़ी भी मांगती है। पहले ही तुझे बता देती थी कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, और तू अपनी सारी पॉकेट मनी बचाकर मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट दे देता था। आज मेरे पास राखी तो नहीं है तुझे बांधने के लिए, लेकिन वो सारी राखियाँ जो मैंने बचपन से तुझे बांधती आई हूँ, मैं तुझे उन सब का वास्ता देती हूँ। उन्होंने मत जाओ, अच्छा है ना माँ। मुस्कान लवली को माफ तो कर देती है, जिसके बाद धूमधाम से होती है रौनक और मुस्कान की शादी। पंडित जी भी तिथि पूर्वक मुस्कान और रौनक की शादी करवाते हैं। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद अभी बहुत सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे जो हम आपको वक्त के साथ दिखाएंगे। फिलहाल आपको शादी के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म दिखाते हैं, जहां इस रस्म में मुस्कान रौनक से जीत जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या लवली दीदी वाकई ही सुधर गई हैं, या मुस्कान से माफी मांगने के पीछे भी लवली दीदी का कोई गहरा मकसद छिपा है। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।